मध्य प्रदेश टूरिज्म ये ऐड दिखाएं और बताएं। दिव्यांग वाला हम यूज करेंगे, बताया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अगेन अपडेट ठंड के बारे में। तो भाई साहब ठंड बहुत तेज है, इतनी तेज की मजा आ रहा है। बच्चे सभी स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह का वक्त, ये भी बड़ा अच्छा टाइम होता है, मूड फ्रेश। सभी बिल्कुल सुबह सुबह सो के उठते हैं, बिल्कुल नहा धो के चल दिए बच्चे स्कूल को, लोग बाग अपने काम को, सभी कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। बिजी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो लोग खुशनसीब होते हैं जिनके पास बिजी लाइफ होती है। रूटीनलेस लाइफ बीमारियां बुलाती है और कोई सेंस नहीं बनता, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि मैं सुबह उठ के क्या करूँगा। लेकिन बिजी लाइफ में जीने का, बिजी लाइफ हमें जीने का एक एम देती है, एक रूटीन देती है। इस समय खाना खा लो, इस समय लंच कर लो, इस समय ये कर लो, हर चीज़ अपना फिक्स होता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि बंदा बीमार नहीं होता, और तो और पसीना बहता है तो फिट रहता है। तो मैं सभी से प्रार्थना करूँगा, सभी से कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई भी लाइफ में वेला ना बैठा हो, सभी फ्री हो, सॉरी बिजी हो, हर कोई लाइफ में बिजी हो भैया, ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। क्या बात है, हमारे शहर में ज़्यादातर एक्सीडेंट इन्हीं का होता है या तो इन्हीं के चलते होता है, गौ माता गाय। लेकिन आने जाने वालों के पास इतना समय नहीं कि उसके पर एक्शन ले, और जिसकी गाय है उसको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, दूध देगी तो घर पे रखेंगे। किसी ने ठोक दिया, अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे वहां, भाई हमारे गाय का इतना पैसा निकालो, हमारे गाय इतने की है, इतना इतने मार दिया, ये वो ये। कतई इंसानों वाला स्वभाव नहीं होता उनका, बिल्कुल नहीं। मैं उनको इंसान नहीं मानता जो ऐसी हरकत करते हैं कि गाय को पाला, जब दूध नहीं दे रही है तो रोड पे कर दिया। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं ऐसे लोगों को इंसान तो नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। गाय को माँ बोलते हो यार, और ऐसी हरकत। भगवान गौ माता, और इसका मालिक कहीं ना कहीं आसपास में ही होगा, एक बार टच कर दो बराबर फिर हम पैसे मांगेंगे, धमकी देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, गाड़ी की हालत ख़राब होती है, और चलो भाई मैंने बैलेंस कर लिया, कुछ लोग बैलेंस नहीं कर पाएंगे, मेरा अगला पहिया भी स्किट हो गया, मैंने बैलेंस कर लिया क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, अभी गिर जाते, गिरते पूरी बॉडी में स्ट्रेच आ जाती। लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई जिए या मरे, जब तक कोई भी बुरी हरकत या कोई बुरी दुर्घटना किसी के साथ नहीं होती है, वो नहीं समझते इस बात को, भाई उसके साथ हुई है तो वो जाने, जिस दिन मेरे साथ होगी तो मैं देख लूँगा। यही होता है सोसाइटी में। सड़क की हालत देखो यार आप, ये हर साल देखो क्या क्या दिखाऊं आपको। गौ माता, ये जो सड़क की आप हालत देख पा रहे हो, तभी से जब यहाँ के लोकल रहने वाले सभी जानते हैं, ये बारिश के मौसम में ठीक किया जाता है, और वापस से ये दिसंबर आते आते फिर चांद पे वाले गड्ढे, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, बिल्कुल वैसे गड्ढे हो जाते हैं। ये आप घर बैठे बैठे धरती पर रहते रहते चांद का अनुभव कैसे लेंगे, ये यहाँ के लोग नहीं चाहते।
भारतवासी जो यहाँ पे सड़क बनाने का काम करते हैं, ये नहीं चाहते आपको चांद की कमी हो। चांद को आप महसूस घर बैठे कर सकते हैं, उसकी कमी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर दिखता है रात में तो उस पर चलते कैसे, ये अनुभव आपको यहाँ के लोग कराएंगे। मैं प्लीज़, ये टूरिज्म का ऐड है, वर्ल्ड के सभी बाकी डेवलप्ड देशों को बोलूँगा कि हमारे देश पे आए, हमारे छोटे शहरों में घूमें, ताकि उनको चांद में घूमने का अनुभव हो सके। हम उनको बिना सैटेलाइट, बिना ऊपर अंतरिक्ष में भेजे ही कराएंगे चांद का सफ़र। तो प्लीज़ मध्य प्रदेश टूरिज़्म ये ऐड दिखाएं और बताएं कि हम चांद का सफ़र आपको धरती पे कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। अरे बाकी देशों में भी होगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई प्रमोट अपन को करना यार, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहले आओ पहले पाओ। अभी तक तो किसी ने बोला नहीं है, बच्चा घूर रहा था मुझे ध्यान से, अभी तक तो किसी ने बात बोली नहीं है। हम बोलेंगे तो हम पाएंगे, बोल दो भाई अपने पास चांद की सड़कें हैं, आपको अगर चांद घूमना है तो हमारे पास आओ, तुम्हें ऑफर लगा दो कि पहले आओ तो इतना डिस्काउंट, इसके बाद आओ तो इतना डिस्काउंट। किधर मेरी टॉयलेट? दिव्यांग वाला हम यूज करेंगे, बता यार। क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? नहीं आज मिली हमें मुक्ति। हाय भैया, अभी आपको हमने करके दिखा दिया भैया कि किसी भी पेट्रोल पंप पर जाएं कोई कुछ नहीं बोलेगा, बेहतरीन घुसे हल्के होके आए। हाँ ये अलग बात है कि उन्होंने मेरे को दो ही ऑप्शन दिया, मैंने पूछा पेट्रोल पंप कहाँ है भैया, तो दिव्यांग और वुमन, और वुमन में तो मैं घुसूंगा नहीं, दिव्यांग में ही करना पड़ा। तो बाकी ये रहा तरीका भाई, ऐसे ही पेट्रोल पंप पर जाना है, किसी भी ढाबे पर भी जा सकते हो आप। इससे ये संदेश जाता है कि प्रेशर कितना भी हैवी हो, कहीं भी ना करो, वेट समथिंग लाइक अ मैन ब्रो। वो रैपर मैन। तो भाई साहब अगली बार हम करेंगे, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं, बार बार कुछ नहीं, अगली बार जगह देखे तभी हल्के हुए, देख लो भाई अगर वहाँ नहीं तो मैं यहाँ कर लेता। और ढाबे तो मैंने कितने आपको वीडियो में दिखते होंगे, कितने ढाबे मेरे रास्ते में, ना कितने पंप है। ये जो लोग बाग रोड पे मूदते हैं ना, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है ऐसा ना कर, कितना कहना मैं ऐसा ना कर।